पाकबड़ा नगर पंचायत कार्यालय पर कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर रोज ही पाकबड़ा क्षेत्र की जनता के कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को भी पाकबड़ा नगर पंचायत कार्यालय पर कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की जनता के बढ़ चढ़कर टीके लगाए गए। साथ ही जनमानस से अपील भी की गई कि सभी लोग समय से वैक्सीनेशन अवश्य करा लें, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन सभी के लिए जरूरी है। कोरोना वायरस से अगर हमें लड़ना है तो वैक्सीन लगवानी ही होगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जब नगर पंचायत पाकबड़ा के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार तिवारी से बात की गई, तब उन्होंने बताया, पाकबड़ा की जनता से टीकाकरण को लेकर मैं यही अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाएं। हमारे पास हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे पास ही है, हमारे डॉक्टर्स और हमारे जो नर्स एनम्स हैं ये सभी सक्रिय हैं। हमारे नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी हम अपने वाहनों के द्वारा भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने जो चौराहों पे मेन लाउड स्पीकर वगैरह लगवाए हैं उनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के आएँ और टीकाकरण में अपना हिस्सा लें, और सरकार की भी यही प्राथमिकता है क्योंकि अभी तीसरा फेज आया नहीं है किंतु उसका आना है, ऐसा जो लोगों विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है। तो हमें उसके पहले ही अपनी सतर्कता पूरी बरतनी है, हमें टीकाकरण के दोनों डोज जो है जल्द से जल्द हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पाकबड़ा चेयरमैन पुत्र रिंकू भैया द्वारा कहा गया, टीकाकरण होने की व्यवस्था हमारे यहाँ मिनी हॉस्पिटल बना हुआ है सरकारी, वहाँ टीकाकरण की पूरी व्यवस्था है और लगभग रोजाना ही टीकाकरण चल ही रहे हैं। 70% लोग टीकाकरण हो चुका है। जो लोग रह गए हैं उनसे क्या अपील करेंगे? उन लोगों से यही अपील करूंगा कि भैया जल्द से जल्द अपना टीकाकरण कराएं। सरकार इतना रुपया खर्च कर रही है आप लोगों के बचाव के लिए, देखभाल के लिए, तो अपना टीकाकरण टाइम पर हो जाएगा तो सारा काम समय से रहेगा, तो आने वाली बीमारी को हम रोक पाएंगे। सरकार भी हम लोग भी साथ दे पाएंगे सरकार का।